ये देखिए दोस्तों, गेहूं के आटे से बना बिल्कुल खस्ता, क्रिस्पी और कुरकुरा बाजार या मार्केट जैसा पापड़ी आज हम बनाएंगे बिल्कुल कम मेहनत में घर पर। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। पापड़ी बनाने के लिए हम एक बर्तन में एक कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं वो आटा ली हूँ। और इसमें एक चौथाई कप बारीक वाला सूजी डालेंगे। अगर आप इसे चम्मच से देखेंगे तो इसमें 3 बड़े चम्मच बारीक वाला सूजी डालेंगे। इसमें स्वाद अनुसार या 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। फ्लेवर के लिए इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को इस तरह हाथ पे लेंगे और इसे हाथ पे रगड़ते हुए हम इसमें डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर पापड़ी में बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें 2 बड़े चम्मच मोम के लिए हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऑयल की जगह 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ ना करें, इससे इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। और अब हम सभी इंग्रेडिएंट को हाथ से अच्छी तरह मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे हमारे पापड़े बिल्कुल ही खस्ता और क्रंची बनेंगे। और ये देखिए, ये आटा से इजीली लड्डू बन जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा पापड़ी बनाने के लिए आटा बिल्कुल परफेक्ट लगा है। और चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1/2 ग्लास पानी लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से पानी छिड़केंगे। पानी को आटे में अच्छे से मिला लेंगे और एक जगह इकट्ठा करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा और पानी छिड़केंगे और फिर से हम आटा को मिलाते हुए इकट्ठा कर लेंगे। इस तरीके से हम 2 से 3 बार पानी डाल करके इसे अच्छे से गूंद लेंगे और इसका एक कड़क डो लगा लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने थोड़े से पानी में आटे को गूंद करके इसका बिल्कुल कड़क डो लगा लिया है। और अब हम इसे रेस्ट पे ना रखेंगे। आप भी इसी तरह पापड़ी बनाने के लिए एकदम सख्त या कड़क आटा लगाएं। और अब हम इसके छोटे छोटे लोई या पेड़े तोड़ लेंगे। और चलिए अब हम इसे बेल लेंगे। बेलने के लिए हम एक चकला लेंगे और एक लोई लेंगे। इस तरह गोल घुमाते हुए इसका पेड़ा बना लेंगे और हम इसे हाथ से दबाते हुए इस तरह बेल लेंगे। हमें इस पे सूखा आटा या तेल नहीं लगाना है और ये इजीली इस तरीके से रोल हो जाएगा। हमें इसे बिल्कुल ही पतला बेलना है, जिससे पापड़ी हमारा बिल्कुल ही क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे रोटी के साइज में बेल लिया है। और अब हम इस तरह का ढक्कन या गिलास या कटोरी लेंगे और इसे इस तरीके से पापड़ी का शेप में गोल साइज में कट कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे पापड़ी को अच्छे से कट कर लिया है। और अब हम इसे कांटे वाले चम्मच या फॉक से इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे, जिससे पापड़ी हमारा फूलेगा नहीं और ये क्रिस्पी बनेगा। और अब हम इस पे से एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लेंगे और पापड़ी को अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट का हम फिर से बेल करके इसका पापड़ी बना लेंगे। और अब हम सारे पापड़ी को उठा करके प्लेट में रख लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे पापड़ी को उठा करके प्लेट में रख लिया है। और अब हम सेम तरीके से दूसरे शेप का भी पापड़ी बनाएंगे। इस तरीके से हम बेल लेंगे और फॉक से इसे हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। और अब हम एक नाइफ या चाकू लेंगे। चाकू लेकर के हम इसे लंबे लंबे बीच से कट कर लेंगे। कट करके हम इसे ट्रायंगल शेप देंगे। आप इस तरीके से ट्रायंगल या स्क्वायर शेप में भी, जो तरीका आसान और इजी लगे, आप उस शेप में पापड़ी इजीली बना सकते हैं घर पे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। और अब हम चलिए इन सभी को तेल में फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से पापड़ी बनाकर आप इसे 5 से 6 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब हम ट्रायंगल शेप वाले पापड़ी को भी अलग अलग कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे पापड़ी को बना के तैयार कर लिया है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल को हम मीडियम फ्लेम पे मीडियम गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें एक एक करके पापड़ी डालेंगे। पापड़ी फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम एक एक करके पापड़ी डाल करके ऑयल में इसे फ्राई करेंगे, जिससे पापड़ी हमारा बिल्कुल ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। पापड़ी बनाने के लिए आप तेल को बिल्कुल भी तेज आंच पे ना गरम करें और तेज आंच पे इसे नहीं फ्राई करें। और ये देखिए, पापड़ी को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और पापड़ी में बिल्कुल ही अच्छा सा सुनहरा कलर आ गया है। इस टाइम पे हम इसे पलटते हुए 1 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। आप इसे इस तरीके से पापड़ी बनाएंगे तो पापड़ी आपका बिल्कुल ठेले वाला जैसा क्रिस्पी, खस्ता और करारा बनेगा।
और ये देखिए पापड़ी में बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। और चलिए अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा हमें इसमें कलर नहीं लाना है, नहीं तो इस स्वाद कड़वा हो जाएगा और पापड़ी हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखिए यहाँ मैंने तेल में से इसे निकाल लिया है और हम इसका इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। और अब हम इसे चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम तरीके से बाकी बचे हुए पापड़ी को मीडियम फ्लेम पे एक एक करके तेल में डाल करके हम इसे भी फ्राई करके निकाल लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने दूसरे बेज को भी अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है और अब हम सेम तरीके से ट्रायंगल शेप को भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने सारे पापड़ी को फ्राई करके निकाल लिया है और ये देखने में जितना ज़्यादा अच्छा है खाने में उतना ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता होता है। और ये देखिए मैं आपको इस तरीके से तोड़ के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ही क्रिस्पी और खस्ता बना है और ये इजीली ये देखिए टूट भी जा रहा है। और सेम तरीके से मैं एक और आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल ही खस्ता और क्रिस्पी बना है और ये इजीली टूट भी रहा है। तो इस तरीके से आप घर पे बिना झंझट के बिना मेहनत के इजीली पापड़ी बना सकते हो। और चलिए अब हम इसका चाट बना लेते हैं। चाट बनाने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और इस पे इस तरीके से एक एक करके पापड़ी रखेंगे। पापड़ी को हमें इस तरह से फैला के रखना है और अब हम इस पे मटर का बनाया हुआ घुघनी या चाट डालेंगे और अब हम इसके ऊपर एक से दो चम्मच दही डालेंगे। दही डाल करके हम इसके ऊपर कटे हुए बारीक प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसके ऊपर अपने पसंद का और भी इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए चाट बनके हमारा तैयार हो गया है। तो फेस्टिवल सीजन में अगर आप मीठा खा के बोर हो जाते हैं तो आप इस तरीके से घर पे ही चटपटा चाट घर पे बनाएं और खाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलूँगी एक और नए रेसिपी में।